आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को शुरुआत कर लेते हैं। हम लोग आज बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्रदेव मकर राशि में यहां पर परिवर्तन करेंगे और उनके इस संचरण काल से किन किन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आज के वीडियोस में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज का जो कार्यक्रम होने वाला है, आज का कार्यक्रम आपके चंद्र लग्न यानी चंद्र राशि के आधार पर आज के कार्यक्रम का जो राशि फल है उस आधार पर रहेगा। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को यहां पर समझ लेते हैं। आप सीधा अपने राशिफल पर जाएं, उससे पहले प्रारंभिक एक दो मिनट की जो व्यवस्था है उसको आप समझें। ग्रहों का परिवर्तन कैसे कैसे रहेगा उस पर थोड़ा सा आप लोग समझेंगे और लास्ट में उपायों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीच में आप लोग अपनी राशि को अपने अनुसार स्थिर करके सुन सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक एक दो मिनट आप अवश्य सुने, क्योंकि यही आपकी राशि का मुख्य आधार भी रहेगा। अब हम यहाँ पर शुक्रदेव की पंचांग की गणना का जो एक फल रहेगा उसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्रदेव यहाँ पर अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उसका समय रहेगा 19-8 दिसंबर से लेकर के यहाँ पर मकर राशि में 2:03 पर ये मध्याह्न में संचरण करेंगे। अब जैसे ही 8 दिसंबर को ये मकर राशि पर प्रवेश करेंगे, उसके बाद ठीक 19 दिसंबर को पुनः ये वक्री हो जाएंगे शाम के 4:04 पर यह पुनः वक्री होंगे और 3 दिसंबर को पुनः धनु पर ये मार्गी होकर के 7:54 पर ये वहां पर वक्री होकर धनु पर इनका संचरण रहेगा। अब ये देखिए यहां पर बड़ा उथल पुथल है, बड़े उठक पटक का दौर आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब 2022 की हम जो आगे की संचरण संरचनाएं होंगी, कैसे कैसे संचरण काल रहेगा उसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल की स्थितियों पर हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हम लोग आज जो बात करेंगे वह 8 दिसंबर से 19 दिसंबर पर्यंत जो ये इनका संचरण काल रहेगा उसको लेकर यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस स्थिति को देखें, तो एक बार इन कुंडलियों पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। 12 प्रकार से 12 राशियों की 12 कुंडलियां यहाँ पर हमने तैयार की हैं और उनके साथ ही आपको इनका भविष्यफल बताया जाएगा। आप नए दर्शक हैं तो फटाफट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आप हमारे कार्यक्रमों का लगातार इसका ज्ञान आप लोग ले सकें, इसकी जानकारियां आप समय समय पर ले सकें। इसके साथ ही अध्यात्म ज्योतिष कुंडली मिलान संबंधित बहुत सारी चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ लगातार चर्चा करता हूँ। राजयोग कुंडली के विश्लेषण को लेकर या विमसोत्री महादशाएं योगनी दशा इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम बहुत सारे लिंक हैं, आप उनके माध्यम से संबंधित सब्जेक्ट को चूज कर श्रवण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम मेष लग्न की हम कुंडली को यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो मेष के आधार पर देखा जाए तो मेष राशि की कुंडली के आधार पर दशम भाव के अंदर शुक्रदेव विद्यमान रहेंगे। दशम भाव जो जन्म कुंडली का एक अहम भाव होता है, दशम भाव पर इनका संचरण काल रहेगा तो मेष राशि वालों के लिए काफी खुशखबरियां यहां पर है। जो लोग जॉबलेस हो चुके थे, जिनको बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं अपने कार्य की तलाश थी, उन लोगों के लिए यहां पर शुक्रदेव बहुत अच्छे एफर्ट लेकर के अब यहां पर आ रहे हैं। बहुत सारी उनके लिए जो है यहां पर अपॉर्चुनिटी उनके लिए यहां पर रहेंगी। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और भी यहां पर बता देता हूं, क्योंकि शनि देव के घर यहां पर शुक्र रहेंगे जो उनकी मित्र राशि होती है। आप समझ रहे होंगे अपने मित्र राशि पर इनका संचरण काल रहेगा और मित्र के घर में जिस प्रकार ये अपने को कंफर्ट महसूस करेंगे और यहां से एक नई संरचनाएं आगे के लिए तैयार करेंगे, आप में एक नई एक्टिविटीज का दौर रहेगा, प्रबल संभावनाएं जो है आपके कार्य को बनने की यहां पर दिखाई देंगे। बहुत सारी चीजें जो आप कोई गतिरोध था वो यहां पर अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो किसी अच्छे पद पर बैठे हुए हैं उनका पद और कद दोनों यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा।
साथ ही साथ एक और चीज जो लोग कई लंबे समय से अपने ट्रांसफर को लेकर के या प्रमोशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंतित थे, उनको भी शुक्रदेव यहाँ पर उनका अनुकूल वातावरण उनके लिए लेकर के आएंगे। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज है, दशम में बैठकर उनकी जो दृष्टि रहेगी वो सीधा चतुर्थ भाव पर रहेगी। सुख संसाधनों में जितने भी हम लोग गणना करते हैं या उस पर विचार करते हैं, सुख की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, पैतृक सुख की बात करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे चौथे भाव से देखी जाती है। वहीं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर जो हमारे मन में चिंताएं थी, जिनको हम संग्रह करना चाह रहे थे और उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, तो ये शुक्रदेव यहां पर आपके लिए व्यवस्था बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात मेष राशि के जातकों के लिए यहां पर दिख रही है। आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप यदि किसी परेशानियों से आपका सामना करना पड़ रहा है या विद्यार्थी जीवन है, काफी स्ट्रगल चल रहा है, नौकरी के लिए चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा एक छोटा सा मंत्र मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। एक बार फिर आप श्रवण कर लेंगे, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आप कम से कम अगर 108 बार प्रातःकालीन जप करें, पाठ करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप 11 बार या 21 बार तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। तो शुक्र का मिला जुला कर ये परिवर्तन काल, ये संचरण काल मेष राशि की जात को कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर के आ रहा है। बात हम अगर वृषभ के कर लें तो वृषभ राशि के लिए भाग्य भाव में संचरण करेंगे, मित्र शनि की राशि पर संचरण काल रहेगा। बहुत अच्छी बात है, वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य आपका साथ देने को तैयार है, आपको बस यहाँ पर प्रयास करने हैं। भाग्य आपके रुके हुए दरवाजों को यहाँ पर खोलने का कार्य करेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी तो वृषभ राशि के जातकों को यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक चीज और भी है, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो भाग्य भाव के अंदर बैठ करके प्राकर्म भाव पर दृष्टि रहेगी। अब भाग्य की जो संरचना होती है, भाग्य का जो निर्माण होता है, भाग्य की जो हम लोग कल्पना करते हैं, उसकी परिकल्पना हम कर्म से ही कर सकते हैं, पर प्राकर्म से ही कर सकते हैं। बिना प्राकर्म, बिना मेहनत के हम भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन भाग्य का निर्माण कैसे होगा इस पर कौन विचार करेगा? अर्थात कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है, कर्म से ही हम भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए यहां पर तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अच्छा काल कहा जा सकता है। इसी के साथ एक चीज और है, जो लोग विवाह के लिए तैयारी में थे, विवाह में अवरोधताएं प्रकट हो रही थी, नौकरी को लेकर के या नया व्यवसाय करना चाहते थे, या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई में लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब नौकरी की राह पर आगे चल रहे थे, तो उन सब के लिए भी यहाँ पर वृषभ के लिए काफी अच्छा समय यह रह सकता है। भाग्य का आपको भरपूर साथ यहाँ पर मिलने वाला है। हम बात कर लेते हैं तृतीय और मिथुन राशि। तृतीय राशि के लिए ये जो 7 तारीख से जो समय प्रारंभ हो रहा है और यह संचरण काल जब तक 19 तक यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, तब तक की स्थिति को देखा जाए तो वृश्चिक यानी अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। थोड़ा सावधानी की यहाँ पर आपको आवश्यकता है। अष्टम में शुक्र जब गोचर करते हैं या कुंडली में भी होते हैं तो यहाँ पर रोग की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं, खासकर उदर से नीचे के हिस्से में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, किसी प्रकार से उदर से संबंधित जन्य रोग हो सकते हैं, शुक्र संबंधित रोग यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहले ही अगर कहीं ना कहीं उन सब चीजों से आप ग्रसित हैं या कहीं ना कहीं कोई समस्याएं चल रही हैं तो प्लीज अब उनको इग्नोर ना करें, उसको आप सही रूप में उसका निदान की ओर आपको बढ़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यापक रूप ले सकता है। तो मिथुन राशि के लिए द्वितीय साथ ही साथ अष्टम के मैं विराजमान होकर के धन भाव के अंदर दृष्टि रहेगी, ये धन के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। धन भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि, धन भाव में नए रूप से आपको धनागम के स्रोतों को प्रबल करने वाला भी रहेगा। साथ ही साथ पैतृक विवाद, पैतृक संपत्ति,
इन प्रॉपर्टीज को लेकर अगर कहीं ना कहीं कोई मतभेद की स्थितियां थी, या अपने हिस्से में वो नहीं आ पा रहा था, या फिर बंटवारे को लेकर के कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी उससे भी आपको निजात और अंत मिल सकता है। वह जातक जो किसी प्रकार से डेयरी का डेयरी प्रोडक्ट है या डेयरी का काम करते हैं, दूध से संबंधित जो बनी हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं या और अन्य प्रोडक्ट हैं, उनसे संबंधित जो व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अत्यंत यहाँ पर लाभदायक रहेगा। गारमेंट्स का जो बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट है, उनको यहाँ पर अच्छे लाभ की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात हम करें अगर फाइनेंस से संबंधित जो वर्क करते हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं जो मांगलिक कार्य हैं उनका यहाँ पर जो है एक माहौल बना रहेगा और सकारात्मक माहौल यहाँ पर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी चीज़ों के लिए मिथुन राशि के लिए यहाँ पर शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। छोटा सा मंत्र है, आप इसको जप सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट अंत में भी मंत्र का दे दूंगा, आप वहां से भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ राशि यानी कर्क। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगर यह संचरण काल देखा जाए तो बेहद खास हो सकता है। 8 तारीख से यह अनुकूल समय आ रहा है, 2 बजे मध्याह्न में यहाँ पर परिवर्तन रहेगा, तो काफी सुखद यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर यहाँ पर शुक्रदेव संचरण करेंगे। सप्तम भाव के अंदर जो संचरण काल रहेगा उससे वैवाहिक जीवन में एक नई खुशियों का दौर रहेगा। जिन लोगों के विवाह में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा था या कई सारी अड़चने आ रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, तो शुक्रदेव यहाँ पर फिलहाल इन दिनों के अंदर काफी कुछ नया परिवर्तन लेकर आएंगे। प्रारंभिक में आपने शुरुआत की चर्चा नहीं सुनी है तो आप उसको जरूर सुने, क्योंकि उससे ही आपको क्लियर होगा कंसेप्ट कि कितने दिनों तक इनका परिवर्तन काल कहाँ पर किस स्थिति के अंदर रहने वाला है। तो ये बेहद अच्छा हो सकता है। अगर हम लाइफ की बात करें तो इसमें भी एक नई प्रकार की एक नई ऊर्जा ने नया एहसास देकर के यहाँ पर युगल के लिए रहेगा, बहुत अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफी बेहद यहाँ पर अच्छा फल रहेगा, क्योंकि लग्न पर शुक्रदेव की दृष्टि रहेगी, अपने मित्र शनि के घर में वह विद्यमान होंगे, तो बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है कर्क राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। एक चीज यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी अगर आपकी कोई भी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही थी, खासकर विवाह से संबंधित कार्यों को लेकर या बिजनेस व्यापार को लेकर के, तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। किसी भी शक्तिपीठ में जाकर, मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में आपको एक कच्चा नारियल, कुछ प्रसाद और कुछ दक्षिणा के साथ में आपको वहां पर अपनी मनोकामना के साथ में रखना है, तो निश्चित रूप से जो आपके रुके हुए काम भी थे वह भी बनेंगे और इसमें भी आपको आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान होगा। सिंह राशि के जातकों की बात करें, संचरण काल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के अंदर शुक्र शनि के घर में विद्यमान रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर कर्ज लिया हुआ है तो आप उसको चुकाने का प्रयास करें, इन दिनों में आप इससे मुक्त हो सकते हैं। नया कर्ज लेने से आप परहेज करें फिलहाल इस पीरियड के अंदर। खर्चों का काल बना रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि खर्चों का यहाँ पर बाहुलता बनी रहेगी। क्यों ना आप उसी पैसे को किसी ठीक जगह लगा दें। अगर आपने ऋण लिया हुआ है किसी से, किसी प्रकार का कर्ज है, तो आप उसको चुकाने का प्रयास करें, बजाय आप नए खर्च करें, उससे आपको यहाँ पर फायदा नहीं, उससे आपको नुकसान होगा, आपको कर्ज बढ़ता चला जाएगा और फाइनेंशियल स्थिति डगमगा सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खर्चों की बाहुलता ना हो उसके लिए आप अपने पुराने खर्चों पर अंकुश लगाकर जो आपका कहीं ना कहीं लेन देन की जो प्रक्रिया है आप उसको थोड़ा सा बहुत विचार पूर्वक आप इसको आगे बढ़ाए। शत्रुओं से कोई समस्याएं थी, उनसे आप पीड़ित थे, उनसे घिरे हुए थे, तो आपको यहां से निकलने का भी एक रास्ता मिलेगा। आपको शक्ति आराधना करनी चाहिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र एक बार पुनः आप लोग सुन लें, नवारण मंत्र है, बड़ा इजी है, आप बहुत सारे लोग इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं इसमें प्रवेश कम है, नई जानकारी रखते हैं, तो फिर से ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये शक्ति का बहुत अद्भुत मंत्र है, तीनों का समावेश इसमें है। आदि
शक्तियों का इसमें समावेश है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों का समावेश है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों का समाहित है। इस पावरफुल मंत्र को आप जपें, आपके अनेक कार्यों में बाधाएं अड़चने समाप्त हो जाएंगी। हम बात कर लेते कन्या राशि, कन्या राशि के लिए संचर काल पंचम भाव के अंदर रहेगा, वहीं एकादश में इनकी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव जहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ है, संतान से जुड़ा हुआ है, वहीं आपके आमदनी को भी यह दर्शाता है। साथ ही साथ एकादश भाव जो आपके अर्निंग का भाव है वहां पर इनकी संपूर्ण दृष्टि रहेगी। अब आप समझ सकते हैं कि एकादश भाव बेहद खास होता है कुंडली के अंदर, और त्रिकोण यह पंचम भाव भी अहम होता है। जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ जो जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, एक नए ऊर्जा के साथ को आगे बढ़ रहे हैं नौकरी की तलाश में, थे तो उनको यहाँ पर बेहद खास लाभ होने वाला है। वो लोग जो नए बिजनेस की ओर, नए व्यापार की ओर नया कदम बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको समय की तलाश थी, अवसर को ढूंढ रहे थे, सहयोगियों को ढूंढ रहे थे, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर इस समय काल में उनको अपने अनुकूल नजर आएंगी। मुझे लगता है आपको इसी समय की तलाश होनी चाहिए थी और इसी समय की आपको तलाश थी, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। नए प्रकार का आपका ऊर्जा, नए प्रकार की आपकी यश कीर्ति मान सम्मान धन लक्ष्मी वैभव, ये सभी चीजें आपके अनुकूल कहीं ना कहीं रहने वाली है। बस करना क्या है, जो आपकी विचारधारा थी, जो आपका मन में संकल्प था, उसको अब क्रियान्वित करने का समय आपके लिए आ गया है। आप आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। तुला राशि के लिए हम बात कर लेते हैं। तुला राशि का यह संचरण काल बेहद खास रहेगा। पंचम चतुर्थ भाव के अंदर जो सुख संसाधन है, धन की बात है, वहां पर इनका संचरण काल रहेगा। बात करेंगे दशम दृष्टि इनकी रहेगी, जो आपके प्रमोशन को लेकर, आपके जॉब को लेकर, जॉबलेस थे या उनकी तमाम समस्याएं जो इससे संबंधित थी, पर सभी यहाँ पर आपको निदान इससे प्राप्त होगा। साथ ही साथ नया वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, अगर इससे संबंधित आप इन चीज़ों को खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे, इनको अर्जित करने का प्रयास कर रहे थे, तो भी आपको इसमें अनुकूलता रहेगी। इसी समय काल में आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको इसका बेहद खास लाभ प्राप्त हो सके। दशम भाव में किसी प्रकार की अगर आपको आप अदालती कोई समस्याएं थी उनको झेल रहे थे, उसमें समस्याएं यहाँ पर फेस कर रहे थे, तो अब जो निर्णय है वो आपके पक्ष में भी जा सकते हैं। आपको करना क्या है, ओम शुम शनिश्चराय नमः शनि का ये मंत्र आप इसको जपें, साथ ही साथ ओम दुम दुर्गाय नमः छोटा सा मंत्र है आप इसको जपें और भगवती शक्ति की आराधना आप करें, आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। आइए हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जो पराक्रम और भाग्य से जुड़ा हुआ है। पराक्रम और भाग्य एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, एक साथ ही दोनों चलते हैं, एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ भाग्य। बिना कर्म और बिना पुरुषार्थ के हम भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए और इसको हर व्यक्ति समझता भी है। तो जहां हम नई पुरुषार्थ की बात करें, नई पराक्रम की बात करें, भाई बहनों के साथ आपका समावेश तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा, और जब जहां सम्मति होती है, जहां सहमति होती है, वहां अनेक प्रकार की संपत्तियों का आना सहज हो जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति और सुमति का यही फर्क है, यहां पर आपकी सुमति बनी रही अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, तो ये आपको बेहद खास यहां पर लाभ देने वाला है। भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी, जिसके कारण बेहद अच्छे से आपका भाग्य भी यहां पर ग्रो करेगा। बहुत अच्छा यहां पर लाभ आपको मिलने वाला है, आप इस समय का, इस अवसर का अच्छा लाभ ले सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ शक्ति की उपासना करनी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई ऋचे मंत्र को आप पुनः सुन लें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई ऋचे इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अगर 108 बार करें तो अति उत्तम, तो 11 और 21 बार तो कर ही लेना चाहिए, कोई खास इसमें समय मेहनत नहीं लगने वाली। धनुराशि की जातकों के लिए बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव यानी धन का भाव, जो अहम भाव होता है, एक कोना होता है कुंडली का, जो काफी अहम रोल जिसका पूरे जीवन काल में देखा जाता है, वहीं पर शुक्रदेव संचरण करते हैं। धन के मामले में बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं अष्टम दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य के मामले थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अष्टम में बैठे हो या इनकी दृष्टि हो तो भी यहां पर थोड़ा सा
अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र प्रतिकूल है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्र में बैठे हैं, शत्रु के साथ युद्धि करके बैठे हैं, तो बेहद यहां पर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कन्याओं को, छोटी छोटी कन्या, उनको आप भोजन कराएं, उनको कुछ दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सौंदर्य प्रसादन, सौंदर्य से संबंधित कोई सामान आप उनको भेंट कर सकते हैं, अत्यंत लाभदायक यहां पर रहेगा। अगर बात हम कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर का संचरण काल लग्न पर रहेगा, उनके लिए लग्न पर बैठे होंगे और सप्तम भाव के अंदर विराजित शुक्र उनकी संपूर्ण दृष्टि से आच्छादित होंगे। लग्न पर बैठ करके जहां आपकी प्रतिभा को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, यश वृद्धि आपकी करेंगे, धन वृद्धि यहां पर करेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंध, अगर किसी समस्याओं से आप ग्रसित थे, उससे संबंधित समस्याओं को झेल लेते, तो उससे भी यहां पर निदान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में अगर आपके यहाँ पर समस्याएं थी, आपको अड़चने झेलनी पड़ रही थी या अनुकूलताएं नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पर शुक्रदेव उसके लिए अनुकूल। जिन लोगों के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, वैवाहिक जीवन में जो है प्रवेश नहीं बन पा रहा था, तो शुक्रदेव यहाँ पर उनके लिए अनुकूल वातावरण को लेकर के आएंगे और स्वास्थ्य दृष्टि से भी आपको अनुकूल लाभ होगा, धन की भी प्रचुर मात्रा में अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की, सॉरी कुंभ राशि की। कुंभ राशि का संचरण काल द्वादश में रहेगा, खर्चों की बाहुलता रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। खर्च के साथ साथ कर्ज भी बढ़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और परहेज करें कि कोई नई बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ से बहुत दिखावे के चक्कर में आकर आपको किसी प्रकार की ऐसी खर्ची की ओर आपको नहीं बढ़ना है जिसमें आपको ओवरवर्डन हो, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अपनी भाषा, अपनी वाणी का संयम रखें, कटुता से आपकी शत्रुता हो सकती है, अगर शत्रुता ऑलरेडी किसी के साथ चल रही है तो उनसे आप ज्यादा उलझेना आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। आपको करना क्या है, किसी शक्तिपीठ में जाइए, वहां बैठिए, जगदम्बा को आप हलवा अगर घर से बना कर ले जाएं, उसका भोग आप लगाएं और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायुचे इस मंत्र का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या करवाना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अब हम चलते चलते अंतिम मीन राशि की ओर बढ़ते हैं और अंतिम राशि मीन राशि का समाचार भी हम लोग देखते हैं। एकादश भाव जो कुंडली का एक अहम भाव है, वहां पर शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। 7-8 तारीख से ही यह परिवर्तन काल जो रहेगा, यह आपको यहां पर लाभ देना आरंभ कर देगा, क्योंकि धन के मामले में तो यहां पर प्रचुर मात्रा में धन वृद्धि का योग बनाएगा। पंचम भाव शिक्षा स्वास्थ्य संतान, अगर आप संतति के लिए बढ़ रहे थे, संतति के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपका उसका लाभ मिलेगा, और अगर खासकर आप बहुत चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और समय को आप ध्यान में रख करके और व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके अगर आप आगे बढ़ते हैं और पुत्र की कामना भी आपके मन में है, तो आप जो गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय होता है आप उसको देख कर संतति पुत्र की ओर बढ़ सकते हैं। वैसे तो सब कुछ देवाधीन है, लेकिन फिर भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसमें अमुक दिनों के अंदर अगर हम पुत्र याचना के लिए, पुत्र कामना के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें पुत्र का ही लाभ होता है। वैसे मैं इसको लेकर एक चर्चा छोटी सी वीडियो में आपके साथ पहले कर चुका हूँ कि कौन कौन से दिन होते हैं जब समागम के माध्यम से हमें पुत्र संतति का लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक है। तो हमें यहाँ पर जो है इन सब चीजों का लाभ देखना है, क्योंकि गोचर आपके पुत्र की ओर, अनुकूल संतति की ओर आपको लेकर के जा रहे हैं। पितरों को आप प्रसन्न रखें, पितरों की अनुकूलता के लिए आप समय समय पर कुछ करते रहें, खासकर अमावस्या पितरों के लिए ही होती है, आप उस दिन कुछ ना कुछ करें तो आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। किसी कारण से जिनको संतति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, परेशानियां आपको बहुत सारी ओर से घेरी हुई थी, तो उन समस्याओं का निदान के लिए भी आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए बेहद संचरण काल बेहद खास रहने वाला है। आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। सभी के लिए अंतिम में एक चीज और कहूंगा, ऑल ओवर सभी राशि वालों के लिए शुक्र की बात करें या फिर अन्य हम अतिरिक्त हिसाब से भी हम लोग देखें, तो शक्ति की उपासना अपने आप में श्रेष्ठ है। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करें, उनकी साधना करें, क्योंकि वह शक्ति है और पराशक्ति की आराधना उपासना से सब कुछ संभव और सफल हो सकता है।